नरेंद्र मोदी से मेरा पहला परिचय साल 2006 और 7 में हुआ। जब मैं कोई 6 से 7 में पढ़ता था, मुझे अच्छे से याद है, घर पर टीवी चल रही थी। प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर के लिए अयोध्या में कोई पैदल यात्रा निकालना चाहते थे और तब की उत्तर प्रदेश सरकार ने धारा 144 लगा दी थी। राजनीति की समझ तो उस उम्र में क्या ही थी, लेकिन मैंने कहा कि ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैंने टीवी से न्यूज हटाने के लिए कहा, उसी दौरान मोदी का जिक्र आया। किसी ने मोदी का नाम लेते हुए कहा कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक है, इसी की वजह से हिंदू बचे हुए हैं। गुजरात में जब दंगे हुए तो इसने मुसलमानों को कटवा दिया था। नरेंद्र मोदी और उनके काम से मेरा पहला परिचय ऐसे हुआ था। आप में से शायद कुछ लोग शायद इस स्मरण पर यकीन भी ना करें, लेकिन आम हिंदुओं में उनका पहला परिचय ऐसे ही होता है कि मुस्लिमों को मरवा दिया था। मुसलमानों में भी अगर किसी का मोदी से पहला परिचय होता होगा तो ऐसे ही होता है कि इन्होंने हजारों मुसलमानों को गुजरात में मरवा दिया था, कटवा दिया था, जला दिया था। दोनों ही धर्मों में मोदी की ये इमेज प्रचलित है, लेकिन अदालतों को ऐसा नहीं लगता। अदालतें और जांच एजेंसियां कहती हैं कि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते कि माना जाए कि गुजरात दंगों में मोदी का हाथ था। इस तरह गुजरात दंगों के मामले में मोदी पर कोई केस चलाए बिना ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोदी पर लगे उन तमाम सबूतों की, उन आरोपों की, जिनके आधार पर कहा जाता है कि गुजरात दंगों में होने वाली हजारों हत्याओं में न केवल मोदी की भूमिका थी और न केवल पूरा पुलिस प्रशासन, मंत्रालय, अधिकारियों ने मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि न्याय प्रक्रिया को भी ऐसे अरेंज किया गया कि मोदी, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को अदालतों में बाइज्जत बरी कर दिया जाए। गोधरा कांड और बाद में हुए गुजरात दंगों को लेकर 3 बड़ी जांचें हुई। एक नानावती आयोग द्वारा की गई, जिसे कि राज्य ने नियुक्त किया, और एक UC बनर्जी द्वारा की गई, जिसे कि केंद्र द्वारा गठित किया गया। तीसरी जांच एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल यानी सिटीजन ट्रिब्यूनल ने की। इसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर लीड कर रहे थे। इसमें जजों के अलावा कुछ एक्टिविस्ट भी थे। केंद्र की यूसी बनर्जी समिति और सिटीजन ट्रिब्यूनल दोनों ने ही गोधरा कांड को महज एक दुर्घटना माना। दोनों रिपोर्टों के बाद गोधरा के सच की पड़ताल के लिए मैंने नानावती कमीशन की रिपोर्ट टटोली। हालांकि नानावती कमीशन को गुजरात सरकार ने ही नियुक्त किया था और उसकी रिपोर्ट पर खुद मानवाधिकार आयोग ने भी सवाल उठाए थे, उस पर मिनिमम विश्वास करते हुए भी मैंने नानावती आयोग की वो प्राइमरी रिपोर्ट पढ़ी जो उसने साल 2008 में जारी की थी। इस रिपोर्ट में जिन गवाहों के आधार पर कहा गया कि गोधरा कांड एक साजिश थी, वो गवाह भी बाद में अपने बयान से पलट गए। जिस मौलवी हुसैन उमर जी को नानावती आयोग की इस रिपोर्ट ने मास्टरमाइंड माना था, उसे भी बाद में अदालत ने निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया था। नानावती आयोग के बारे में आगे चर्चा कहने से पहले एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल GT नानावती सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी तो उन्होंने GT नानावती को ही सिख दंगों की जांच के लिए नियुक्त किया था। यानी जिस नानावती कमीशन ने गुजरात दंगों की जांच की थी, उसी ने सिख दंगों की भी जांच की थी और सिख दंगों में कांग्रेस के नेताओं के हाथ होने का दावा किया था। नानावती आयोग ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे नेताओं को सिखों के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोपी ठहराया था। लेकिन कमाल की बात है कि जिस नानावती आयोग ने 1984 में हुए सिख दंगों की जांच के लिए न केवल कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की, बल्कि 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव और IK गुजराल से भी सिख दंगों के सिलसिले में पूछताछ की। लेकिन कमाल की बात है कि गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन एक बार भी नानावती आयोग ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, एक बार भी समन नहीं भेजा और बिना पूछताछ के ही, बिना क्रॉस चेक किए ही, बिना सवाल जवाब के ही मोदी को क्लीन चिट दे दी। नानावती कमीशन में 2 सदस्य थे, एक तो खुद जस्टिस GT नानावती और दूसरे थे जस्टिस KG शाह। जब मार्च 2008 में जस्टिस KG शाह की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता को आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हीं जस्टिस अक्षय मेहता ने बाबू बजरंगी को जमानत भी दी थी। बाबू बजरंगी गुजरात बजरंग दल का नेता है। ये गुजरात दंगों के नरोदा पाटिया मामले का मुख्य अपराधी था। साल 2012 में स्पेशल कोर्ट ने भी बाबू बजरंगी को नरोदा पाटिया नरसंहार का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी थी। खुद बाबू बजरंगी ने तहलका मैगजीन के एक स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया कि नरोदा पाटिया में मुस्लिमों की हत्याएं की, उनके घरों में गैस सिलेंडर से बम ब्लास्ट किए। यहां नरोदा पाटिया नरसंहार का जिक्र करना जरूरी है। जब गोधरा कांड हुआ
तो उसी शाम विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। अगले दिन गुजरात बंद के दौरान ही अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ पहुंच गई। नरोदा पाटिया के लोगों का गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, सिवाय इसके कि वे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। ये मुस्लिम प्रवासियों की बस्ती थी जिसमें अधिकतर गरीब मजदूर रहते थे, जिनका काम मजदूरी था और अपने बच्चों को पालना था। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ ने इन बेगुनाह मुस्लिम मजदूरों की बस्ती पर हमला कर दिया और एक दो लोग नहीं बल्कि कुल 150 से अधिक लोग मारे गए। तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन में एक गवाह ने एक कुएं को दिखाते हुए बताया कि इन गुंडों ने मुस्लिमों को जला जलाकर इस कुएं में फेंक दिया। अधिकतर महिलाएं थीं। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ यह नरसंहार शाम करीब 8 बजे तक चलता रहा। इस दौरान महिलाओं के रेप किए गए, वो भी सबके सामने, और इन्हीं रेप पीड़िताओं को रेप करने के बाद वहीं जिंदा जला दिया गया और कुएं में फेंक दिया गया।